नमोनारायण। जय महाकाल, जय मां बगलामुखी। सभी मेरे सनातनी भाइयों बहनों का बहुत बहुत स्वागत है, मेरे सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है, मेरे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है, मेरी जो केटी ज्ञान की फैमिली है, जो काली तत्व ज्ञान की फैमिली है, उन सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके सामने आज फिर मैं एक नई वीडियो को लेकर आया हूं। ये वीडियो है कि पांच संकेत, तो समझिए कि देवता आपके दरवाजे। अगर जीवन में आपको बार बार ये पांच संकेत मिल जाए तो समझ लीजिए भगवान आपके दरवाजे पर खड़े हैं। क्या है वो पांच संकेत? हर इंसान चाहता है कि उन्हें देवी देवता मिले, उन्हें भगवान मिले, उन्हें ईश्वर मिल जाए, उन्हें सिद्धियां मिल जाए, रिद्धियां मिल जाए। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि भगवान आपके दरवाजे पे हैं? आपकी मनोकामना पूर्ण हो चुकी है, आपके जो परीक्षा थी वो पूरी हो चुकी है, आपका समय अब आ चुका है। तो मैं एक एक करके आपको ये चीजें बताता हूं। अगर आपके साथ भी, आपके साथ ये घटना बार बार हो रही है, तो आपके देवी देवता आपसे खुश है, भगवान आपके दरवाजे पे है। पहली चीज ध्यान से सुनिएगा, ब्रह्म मुहूर्त बहुत ही इंपॉर्टेंट समय होता है। इस समय में जलवायु शुद्ध होती है, आसपास का वातावरण शांत होता है, आपके पास किसी भी प्रकार का कोई बर्डन नहीं होता है, कोई काम का एक्सक्यूज नहीं होता है। जो भी इंसान ब्रह्म मुहूर्त में पूजा पाठ करता है वो इंसान सब कुछ पा लेता है। इस समय विद्यार्थी लोग अगर अपनी पढ़ाई करते हैं तो वो बहुत चतुर हो जाते हैं। चतुर मतलब माइंड से, कंप्यूटर जैसे तेज, सुपर माइंडेड, क्योंकि इस समय चीज खाली होती है, पॉजिटिव एनर्जी होती है, तो चीजें जल्दी आपके दिमाग में आसानी से आ जाती है। जो भी इंसान इस समय में मंत्र का जाप करता है उसके मंत्र बहुत जल्दी सिद्ध हो जाते हैं। तो यह समय होता है 3 से 5 बजे का। याद रखिएगा, अगर आपकी नींद 2 बजे खुल जाती है तो इसको ब्रह्म मुहूर्त नहीं कहते हैं। और कृपया करके किसी भी ऐसी भूल में मत रहें कि मेरी आंख खुल जा रही या मैं पूरे रात भर जगा रहता हूं, मैं ब्रह्म मुहूर्त में जग रहा हूं, ऐसा नहीं है। जब ब्रह्म मुहूर्त में आप जगेंगे तो आपको खुद से ईश्वरी शक्ति उस समय में जगा देगी, आपके दिमाग में वो अलार्म फिट हो जाता है। और ब्रह्म मुहूर्त का समय 3 से 5 बजे के बीच का होता है। इसके पहले का समय हमेशा आसुरी शक्तियों का होता है, नकारात्मक शक्तियों का होता है। तो अगर आपकी आंख इससे पहले खुल रही है तो ये ब्रह्म मुहूर्त नहीं है। अपने डिप्रेशन का, अपने एंग्जायटी का, अपने स्लीपनेस का इलाज करवाइए, डॉक्टर से मिलिए। और अगर आपकी नींद इसके बाद खुल रही है तो कंग्रेचुलेशन, आप नंबर 1 के आलसी हैं। तो जो भी इंसान ब्रह्म मुहूर्त में अपनी पूजा पाठ नहीं कर पाता है, अगर आपका मकसद ब्रह्म मुहूर्त में कुछ पाने का नहीं, पूजा पाठ करने का है, तो शास्त्रों में 6 से 8 बजे का समय भी अच्छा बताया गया। 8 बजे के बाद सूर्य देवता बहुत ऊपर चले जाते हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त में अगर आपकी आंख खुलती है 3 से 5 बजे के बीच, हर बार खुल जा रही है, बार बार खुल जा रही है, ऐसा लगता है कोई जगा दे रहा है, तो कंग्रेचुलेशन, आपके दरवाजे पर ईश्वर हैं, जो आपका मन रूपी दरवाजा नॉक कर रहे हैं और चाहते हैं आप अपने पूजा पाठ को आगे बढ़ाएं। अगर आप सपने में देवी देवता को देख रहे हैं, सपने में देवी देवता से बात कर रहे हैं, बार बार उनके तीर्थ स्थानों में जा रहे हैं, अगर भगवान आपको अपनी गोदी में बिठा लेते हैं, अगर आपको आसपास बंदर दिखते हैं, कोई बंदर आपको नहाता हुआ दिख जाता है, आपको सफेद हाथी दिख रहा है, आपको सफेद सांप दिख रहा है, घोड़े दिख रहे हैं, ऐसी चीजें दिखने लगी, नदियां, तालाब, झरने, खिलते हुए फूल, अच्छी सुगंध, तो आप सिद्धि पा चुके हैं, आपके अच्छे दिन आने वाले हैं। अगर आपको बार बार 8881112223333 ऐसे एंजल्स नंबर दिख रहे हैं तो भी ये संकेत होता है कि आपसे एंजल देवी देवता खुश है। अगर कोई भी घटना का आपको पहले से आभास होने लगे, कई बार ऐसे देखा है मैंने कि लोग कहते हैं कि मेरा मन खट्टा हो रहा है, कुछ होने वाला है, मेरी आंख फड़फड़ा रही है, कुछ होने वाला। आप देखो, कुछ भी, चाहे इसमें किंवदंती हो, कोई भी इसमें बात किसी भी मकसद से कही गई हो, लेकिन हर समय हर मकसद किंवदंती नहीं होता है, चीजें होती हैं, सही भी होती है। तो इन चीजों को मैं जोड़ रहा हूं, तो ये एहसास होता है, ये ईश्वरी शक्ति का हाथ होता है आपके ऊपर, तब आपको ये एहसास होता है। अगर लोग आपसे बात करने के लिए ललायित हो जाए, आपके सारे काम बनते चले जाए, जो सोचो आपको वो मिल जाए, जो चाहो आप वो पालो, चाहे वो नौकरी हो, बिजनेस हो, पहनने वाले कपड़े हो, खाने वाला फल फूल हो, सब्जियां हो, अनाज हो, कोई भी चीज, यहां तक कि आपका अपना प्यार भी, अच्छी जगह शादी हो जाए, मांगलिक कार्यक्रम हो जाए, तो भी समझ लो
कि आपके ऊपर ईश्वरी शक्ति का हाथ है, आपके दरवाजे पर ईश्वरी शक्ति दस्तक दे रही है। तो ऐसे में इंसान मान सम्मान पाता है और लोग उनसे बात करने के लिए ललायत रहते हैं। ऐसे इंसान का हर जगह दबदबा रहता है, लोग चाहते हैं कि उन्हें सुने, लोग चाहते हैं कि ऐसा इंसान बोलता जाए, मैं सुनता जाऊं। अगर आपको कोई इंसान आवाज लगा रहा है, कोई भी ऐसी आवाज आपको सुनाई दे रही है, जो आवाज जैसी आप पीछे मुड़ के देखते हैं आपको सुनाई देता, आपका नाम लिया जा रहा है, अच्छी सी मधुर आवाज आपको सुनाई देती है आपका नाम लेके, तो ईश्वरी शक्ति आपको आवाज दे रही है। अगर इसी के साथ साथ आप सो रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, और खास करके जब आपकी आंखें बंद हो और आपके कानों में वही मंत्र चलने लग जाए, राम राम, हरे राम, कृष्णा कृष्णा, जो भी आपके इष्ट हो उनकी ध्वनि आपके कानों में सुनाई देने लग जाए, तो ईश्वरी शक्ति आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही है। सो जो भी लोग ऐसा संकेत बार बार देख रहे हैं, तो वो लोग अपने पूजा के दायरे को सच्चे मन और श्रद्धा से आगे बढ़ाएं। सबसे पहले तो आप बहुत भाग्यशाली हैं कि ईश्वरी शक्ति ने आपको चुना, साधना ने आपको चूज किया है। आप सभी लोग जो मेरे चैनल पे नए आए हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, जो मेरे चैनल पे बहुत पुराने से, हम सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने यूं ही प्यार बनाए रखा है। अभी के लिए मैं आप सभी लोगों से इजाजत चाहता हूँ। आप सभी लोगों का कल्याण हो, नमो नारायण, जय महाकाल, जय मां बगलामुखी।